आदाब नाजरीन, अभी हम लोग इस वक्त शहर हैदराबाद की एक बड़ी मशहूर जगह जो कुतुब शाही डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी, किला गोलकुंडा के एक ऐसे मकाम पर आए हुए हैं जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कुतुब शाही दौर की मस्जिद है जो आज से तकरीबन कमोबेश 350 या 400 साल पहले जिसकी तामीर अमल में आई थी, लेकिन अभी ये मस्जिद हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में है, तो इस मस्जिद को गैर आबाद ही रखा गया है। मस्जिद के गेट पर आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, कबूतरों के लिए यहाँ पर दाने का अहतमाम कुछ लोग करते हैं, और इस सीधी जानिब अगर आप देखेंगे तो नए किले को गोल्फ कोर्स में तब्दील कर दिया जा चुका है। नए किले और पुराने किले में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस ये है कि जिस वक्त 1656 ईस्वी में जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब किला गोलकुंडे फ़तेह करने आए थे, 4 महीने की तकरीबन ये जंग चली थी, जिसके बाद किले की दीवारों पर इस कदर हमला किया गया, लेकिन किले की दीवारें जब उस वक्त नहीं गिरी थी, उसके बाद औरंगज़ेब अप्रैल के महीने में 1656 ईस्वी में यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि किले के जो दूसरे वज़ीर होते हैं उन्हें बादशाह की जान की फिक्र होती है कि ये दीवारें अब कमज़ोर हो चुकी है। उसके बाद नए किले की तामीर अमल में आई, जब नए किले की तामीर अमल में आई, नया किला बनाया गया, तो बताया जाता है कि यहाँ पर एक झाड़ का भी क़याम अमल में आया। और अगर आप इस बात को अगर हिस्ट्री में जा कर के देखेंगे तो लोगों का ये भी मानना है कि इस झाड़ को अरब ट्रेडर्स ने गिफ्ट किया गया था, जो आज यहाँ पर हतियान के झाड़ से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब यूँ तो कहानियाँ बहुत ज़्यादा है, लोगों का ये भी मानना है कि इस झाड़ में तकरीबन 40 चोर जो थे वो चोरी करके आके छुपे थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये बात तारीख़ के उन्हीं सुनहरे पन्नों में बंद हो चुकी है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ना तो इसकी ऑथेंटिसिटी कहीं से प्रूफ हो चुकी है। लेकिन हाँ, इस झाड़ में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत मोटा है। हतियान का झाड़ इसे इसलिए कहा जाता है, यूँ लोगों का कहना है कि क्योंकि एक हाथी के जैसा है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसे हतियान का झाड़ भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर इस मस्जिद को आबाद कर दे तो हो सकता है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से एक किसी मौज़िन या इमाम को मुकर्रर किया जा सकता है, जिसके बाद यहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है और ये मस्जिद दोबारा आबाद हो सकती है। इधर अगर आप मेरी सीधी जानिब देखेंगे तो यहाँ पर गोल्फ कोर्स बना दिया गया है। इसे आबाद करने के लिए जब करोड़ों रुपए लगाए जा सकते हैं, तो एक मौज़िन को 10 या 12 हज़ार तनख्वाह में यहाँ पर क्यों मुकर्रर नहीं किया जा सकता, ये हमारा सवाल है। अभी हम झाड़ की जानिब चलेंगे और आपको वहाँ के भी कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। हमारे आपसे कुछ कहना चाहेंगे झाड़ के बारे में और क्या हुआ है, क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर एक हथियार झाड़ में गए हम लोग, एक अदनान लेवल के बंदा था, उसको छुड़ा के लेके आओ, देखो बंदा कई सालों से बंदा। अभी हम लोग इस वक्त इस झाड़ के अंदर आ चुके हैं, हमारी पूरी टीम आई है 99 एक्सप्रेस टीवी की। जो कहानी बताई जा रही थी 40 लोगों के रुकने की, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉसिबल तो नहीं है कि 40 लोग इतनी जगह में रुक जाएं। अगर यहाँ पर कुछ फ्लोट बने होते तो अलग बात होती, जो कि झाड़ में होते नहीं। यहाँ पर ये जो झाड़ में आप देख सकते हैं कितनी जगह हमारे
रिपोर्टर ने आपको भी दिखाया है यहाँ पर जगह, तो एक 10 आदमी शायद यहाँ पर रह सकते हैं, उससे ज़्यादा तो रहने की गुंजाइश नहीं है। अब जो कहानियाँ बताई जा रही है वो हमें नहीं लगता कि सही होगी। अब चूँकि 40 लोगों की यहाँ पर जगह नहीं है तो लॉजिकली भी ये बात गलत है। हाँ, ये बात सही है कि झाड़ काफ़ी पुराना है और इसके अंदर रहने की जगह मौजूद है, ये बात सही है। अब चूँकि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी देखभाल ही कर रहा है तो बाहर इसके बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एक वॉचमैन को लगाया गया है। मस्जिद बिल्कुल यहाँ से करीब है और इसके पीछे साइड में अगर आप देखेंगे तो गोल्फ कोर्स है, उधर सामने किला है और ये नए किले के अंदर आता है। ये 99 एक्सप्रेस टीवी को देखते रहिए, हम इसी तरह की अनोखी कहानियाँ शहर हैदराबाद की लेकर के आपके दरमियान आते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये झाड़ जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में इसलिए आ चुका है, एक तो इसकी तारीख है 400 साल पुरानी करीबन का मोवेश, और दूसरी चीज़ इस पर नाम लोगों ने लिख लिए हैं। कुछ आशिकान अंदाज के लोग हैं जो आते हैं और यहाँ पर झाड़ पर नाम लिख देते थे, जिसकी वजह से झाड़ को काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसके बाद इस झाड़ को हदबंदी करके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रख दिया है और ये हदबंदी में है। लेकिन अंदर जाने के लिए रास्ता है, अगर कोई जाना चाहते हैं तो, अगर किसी को परमिशन हो तो सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं, जिन्हें परमिशन नहीं है वो लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, तफरी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं। E99 एक्सप्रेस टीवी आपके लिए इसी तरह की बहुत सी खबरें लेके आते रहेगा और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कवर करना, हमारे हेरिटेजेस दिखाना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम एक बहुत बड़ी सीरीज़ चला रहे हैं। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना या आंध्रा हो या फिर महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ हमसे मुमकिन हो सका हम जाएंगे और इसी तरह की स्टोरीज लेकर के हम आपके दरमियान आते रहेंगे। E99 एक्सप्रेस टीवी को फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती है। एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। खरीदिए हमारी फ्रेंचाइजी और जुड़िए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 99 स्टोर से और कमाइए अच्छा खासा मुनाफा।
हजार से ज्यादा वैरायटीज के साथ इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है विजिट एंड विन ऑफर। विजिट कीजिए इजी एक्सप्रेस के कोई भी 99 स्टोर पर और आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए तक के इनाम। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, एमपीएम मॉल एबिट्स बिग बाजार फोर्थ फ्लोर या गुलजार हाउस ओल्ड कृष्णा टाकीज एसएमपी टावर सेकंड फ्लोर।